भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन में भी देवी के 51 पीठों में से एक राधा बाग कात्यायनी पीठ में स्थित है। शास्त्रों के अनुसार यहाँ माता सती के केश गिरे थे। नवरात्रि के मौके पर यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। बताया जाता है कि राधा रानी ने अपनी गोपियों के साथ भगवान कृष्ण की इसी स्थान पर पूजा अर्चना की थी। देव ऋषि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 22 उपाध्याय में इसका उल्लेख है। वहीं गीता के अनुसार राधा रानी ने गोपियों के साथ भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए यहाँ पूजा अर्चना की थी। माता ने उन्हें वरदान दे दिया, किंतु कृष्ण एक और गोपियाँ अनेक, तब ऐसा कैसे संभव हो पाता। भगवान कृष्ण ने माँ के वरदान को साक्षात्कार करने के लिए गोपियों के साथ यहाँ महारास किया था। तभी से यह मान्यता है कि इस मंदिर में कुंवारे लड़के लड़कियाँ पूजा अर्चना कर सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं और उन्हें मनचाहा योग्य वर और वधु मिलती है। माता के मंदिर में 2.5 प्याला शराब का भोग भी लगाया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि कंस वध से पूर्व भगवान कृष्ण ने यमुना के किनारे माँ कात्यायनी को कुलदेवी मानकर बालू से माँ की प्रतिमा बनाई और पूजा अर्चना की। उसके बाद वह कंस का वध करने के लिए गए। यहाँ अष्टमी को माँ की विशेष संधि आरती होती है और खजाना लुटाया जाता है, जिसे देखने और लूटने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। कहते हैं कि यहाँ लुटाई जाने वाले खजाने को अपनी तिजोरी या पर्स में रखने से धन की वृद्धि होती है। संधि आरती का मतलब होता है दोनों तिथियों के बीच का मुहूर्त। मुहूर्त होते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में 15 मिनट का मुहूर्त माना जाता है। तो दोनों तिथियों के बीच का संधि जिसको बोलते हैं अष्टमी और नवमी, उसी को संधि आरती बोलते हैं। हमारे मंदिर में गुरु परंपरा से, मतलब महाराज श्री केशवानंद स्वामी जी के समय से ही संध्या आरती और मैया की पूजन अर्चन सेवन का क्रम चला आया है। उसी क्रम को हम लोग सब लोग सहयोग करते हुए आगे बढ़ाते हैं। और आज जो कि 29 तारीख 10:35 पर मैया दोनों तिथियों का मिलन था, उसी समय पर मैया की विशेष आरती पूजन सेवन हुआ और अष्टांग सेवा मैया की हुई। ये कात्यायनी पीठ है जी, हमारे दर्शकों को बताइए। ये 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। माता सती के यहाँ केश गिरे हुए थे। गोपियों ने जो आराधना की थी भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, वो ब्रजमंडल का स्थान यही है। इसीलिए यहाँ की मान्यता है कि किन्हीं कन्याओं के विवाह में या लड़कों के विवाह में विलम्ब होता है, मांगलिक दोष आदि, तो यहाँ उनका पूजन अर्चन कराने से उनके विवाह कार्य अन्य कार्य जल्दी सफल होते हैं। जो आदमी जिस भावना श्रद्धा से धर्म अर्थ काम मोक्ष जिस साधना कामना से कार्य मैया की सेवा पूजन करता है, उनकी वो कामना पूर्ण होती है। ऐसे ही मुंबई, महाराष्ट्र और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए आपका न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।